हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई प्रोसेस दिखाने वाला हूं गाइस यूपीएससी की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2024 का फाइनली लिंक एक्टिव हो चुका है गाइस। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं गाइस। वीडियो बने रहना है। यूपीएससी का आपका प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा। जैसे प्रोफाइल लॉगिन करते ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर देना। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पार्ट बना के रखा है। वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वीडियो देख लेना। वीडियो देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों को दिखाना नर्सिंग ऑफिसर का एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अप्लाई करके दिखाने वाला हूं गाइस। वीडियो बने रहने तक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हमेशा देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अप्लाई करने के लिए गाइस आपका प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट वन बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे इस बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते, अदरवाइज सिंपली से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना गाइस। सिंपली से यस बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस आपका प्रोफाइल देते यहाँ पर सारी खोल के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एडिट करना चाहते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन ओटीआर के द्वारा आप एडिट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली से नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस। यहाँ पर पहले आप लोग को यहाँ पर चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पर आपका स्टेटस यहाँ पर पहले आप चेक कर, थोड़ा जूम करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ऊपर तो ऑटोमेटिकली रहेगा नेशनलिटी इंडियन रहेगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस क्या है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस डिवोर्स से आपको सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरा मैरिज सेलेक्ट कर दे। अगर आप पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो यानी यस और नो कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको कम्युनिटी आपका कम्युनिटी जो भी आपका कम्युनिटी है आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरा एसटी है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। उसके बाद डिजिग्नेशन मतलब आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, जो भी यहाँ पर आप लोग को सारी अवेलेबल देने को मिलेगा। तो चलो गाइस मेरा तो डिप्टी कमिश्नर ने इशू किया है और यहाँ पर देख सकते हो इशू स्टेट मतलब कौन सा स्टेट में आपका डिप्टी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू किया है, जो भी आपका स्टेट का नाम है आपको डाल देना। तो चलो गाइस मेरा असम है, मैंने असम में बिलोंग करता हूँ, डाल दिया। उसके बाद आपका कम्युनिटी का इशू का डेट है, डेट एंड इशू आप लोग को देने को मिलेगा, मतलब आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऊपर में सारे अवेलेबल देने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डाल देना गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपका सेलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ पर देने को मिलेगा। और यहाँ पर नंबर टू में रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट देने को मिलेगा। और नंबर थ्री की बात करें तो नंबर थ्री में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, जो भी है आपने यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरा तो बीएससी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, जो भी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने किया आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग को जो भी यहाँ पर आप लोग को फिर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर एड्रेस वन एड्रेस टू एड्रेस थ्री डाल देना। उसके बाद स्टेट डाल देना गाइस, इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर सारी अवेलेबल देने को मिलेगा। तो आपका स्टेट का नाम डाल देना, मेरा तो असम है, मैंने असम सेलेक्ट कर लिया गाइस। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम फिर से सेलेक्ट करना होगा। तो चलो गाइस मेरा तो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, मैं करीमगंज डाल दूंगा। उसके बाद एरिया का पिन कोड नंबर 6 डिजिट का नंबर डाल देना गाइस। आपका एरिया का फोन कोड नंबर पता है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना। तो चलो गाइस मैं फटाक से सारे फिलअप कर लेता हूं, आपको भी आपको सबसे सारे फिलअप कर लेना। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया। सारी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर क्लेमिंग एज रिलेक्शन, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, जो भी आईडी प्रूफ आप अपलोड करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो चलो गाइस मैं आधार कार्ड में सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यस बटन यहाँ पर सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके यस कर लेना गाइस। उसके बाद आईडी प्रूफ जो भी है यहाँ पर दोबारा से कंफर्म कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ बना के आप लोग को जो भी आपका आईडी प्रूफ है यहाँ पर जेपीजी फाइल में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए गाइस चूज फाइल बटन पर क्लिक करते जहाँ पे आपका पीडीएफ फाइल आपका डॉक्यूमेंट साइज बना के रखा है आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरे आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट करें, मेरा आधार कार्ड मैं फटाक से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया गाइस, यहाँ पर आप अपलोडिंग हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग, यहाँ पर आधार पीडीएफ अपलोडिंग बता रहा है। तो इस तरफ से आपको थोड़ा लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद इस तरफ से आपको फाइनली अपलोडिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलो गाइस मेरा आधार डिटेल्स वगैरह सारी फिलअप करता हूँ गाइस, देख सकते हो फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो मेरा आधार डिटेल पहले डाल लेता हूँ।
सो गाइस सारी मेरे फिलअप कर दिया। सारी फिलअप करने के बाद सिंपली सब लोग को कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट करने से पहले आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है। तो चलो गाइस बेफटक से सारी आपको पार्ट 1 कंप्लीट करने से पहले आपको पहले आपको अच्छा से देखना होगा। तो चलो गाइस बेफटक से पहले अच्छा से देख लेता हूं। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया पूरा सही है। अगर अपडेट एडिट करना चाहते हो अपडेट बटन पर क्लिक करके जो भी गलत है एडिट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली यहाँ पर कैप्चा देख सकते हो इस पर डाल देना, मैंने डाल दिया। सारी डाल देने के बाद आई एग्री बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे आई एग्री बटन पर क्लिक करते ओके बटन पर क्लिक कर आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद इस तरफ से आ जाएगा सारी डिटेल। यहाँ पर प्रीराफ लेना चाहते हो तो प्रीराफ ले सकते हो, प्री स्लिप बटन पर क्लिक करके प्रीराफ ले सकते हो। अदरवाइज अपलोड फोटोग्राफ एट सिग्नेचर बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे अपलोड फोटोग्राफ एट सिग्नेचर बटन पर क्लिक करते ही गाइस इस तरफ आपको फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। सो गाइस उसके बाद इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करोगे, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर ऑफ सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर साइज की बात करते तो यहाँ पर देख सकते हो लेस देन 30 के 300 KB और यहाँ पर ग्रेटर देन 20 KB बटा सिग्नेचर और फोटो साइज सेम है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइस सिंपली से चूज फाइल बटन पर क्लिक कर लेना। जहाँ पे चूज फाइल बटन पर क्लिक करते आपका जहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर साइज बढ़ा के रखा आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटाक से सारी फिलअप कर लेता हूँ दोस्तों। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरे फोटो एंड सिग्नेचर मेरे यहाँ पर देख सकते इमेज आ चुका है। इमेज आने के बाद सेलेक्ट करने के बाद अपलोड इमेज बटन पर क्लिक कर देना गाइस। जैसे अपलोड इमेज बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। रीअपलोड करना चाहते हो तो रीअपलोड बटन पर क्लिक करके नया फिर अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली से कंटिन्यू देख सकते हो गाइस, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते गाइस फोटो सिग्नेचर फाइनली अपलोड हो चुका है। अभी सेंटर सिलेक्शन एग्री डिक्लेरेशन फॉर्म करने के लिए बताया गया है। इस तरफ से आपको फिर से आगे जाएगा, यहाँ पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। इंडिया में जितना एग्जाम सेंटर है यहाँ पर सारी अवेलेबल देखने को मिलेगा। तो कौन सा जगह आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरे हिसाब से मैं फटाक से मेरा एग्जाम सेंटर में सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कौन सा जगह में मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर तो मेरे हिसाब से नहीं है, सिर्फ आपको असम में सिर्फ गुवाहाटी ही अवेलेबल देखने को मिलता है। तो चलो गाइस दिसपुर मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन एग्री हाईलाइट ग्रीन लाइट देख सकते हो। इस बटन पर क्लिक करेगा गाइस। जैसे इस बटन पर क्लिक करते गाइस देख सकते हो फाइनली सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। देख सकते हो गाइस यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर प्रीराफ फॉर्म लेने के लिए गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2024 बटन पर क्लिक करेगा गाइस। जैसे इस बटन पर क्लिक करते गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये तो सिविल सर्विस का है और एम्प्लॉय पर्सनल असिस्टेंट ईपीएफओ का है और यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का भी अभी अप्लाई किया है। क्लिक हेयर बटन पर क्लिक कर लेगा। इस बटन पर क्लिक करते गाइस यहाँ पर देख सकते हो प्रीराफ फॉर्म आ चुका है। तो प्रीराफ फॉर्म लेने के लिए इस बटन पर क्लिक करके आप प्रीराफ फॉर्म जहाँ पे आप प्रीराफ फॉर्म आप सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो। सो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आएगा। जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस चैनल पर मैं आपको सारी प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर लेना। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।